गोह प्रखंड के बाजार बर्मा गांव की प्रज्ञा ने मैट्रिक परीक्षा में बिहार भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार के टॉप 10 में औरंगाबाद जिले से 3 छात्रा और 1 छात्र हैं। औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड स्थित बाजार बर्मा गांव की छात्रा मैट्रिक की परीक्षा में बिहार टॉपर में तीसरा स्थान लाकर गोह के साथ साथ औरंगाबाद जिले का भी नाम रोशन किया है। गोह स्थित उत्कर्मित उच्च विद्यालय बाजार बर्मा की छात्रा प्रज्ञा कुमारी, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में कुल 500 में 485 नंबर लाए हैं। प्रज्ञा कुमारी गोह प्रखंड के बाजार बर्मा गांव निवासी किसान सुनील कुमार की पुत्री हैं, जबकि प्रज्ञा की माता संगीता कुमारी गृहिणी हैं। प्रज्ञा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। उनकी माता संगीता कुमारी ने बताया कि प्रज्ञा प्रत्येक दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। प्रज्ञा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षक को भी दी है। ज्ञात हो कि पटेल इंटर स्कूल दाऊदनगर की रामायणी राय ने 487 नंबर लाकर बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बाजार बर्मा गोह की छात्रा प्रज्ञा कुमारी ने 485 अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुग्रह इंटर स्कूल औरंगाबाद के शंभु कुमार 481 अंक लाकर सातवां और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल गोह की छात्रा तृप्ति राज 479 अंक लाकर नवा स्थान प्राप्त किया है। बिहार में तीसरा स्थान कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। तो जब आपको रिजल्ट आया तो कहाँ देखने गए सबसे पहले, ये कौन बताया कि रिजल्ट आ गया है प्रथम स्थान आ गया? सबसे पहले हमारे टीचर राहुल सर और कुंदन सर ने बताया कि मेरा तीसरा स्थान आया है, तो वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन लोग का ही मेहनत था कि आज मैं इस स्थान को प्राप्त की हूँ। और सारे टीचर्स, सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, उसके बाद टीचर्स राहुल सर, कुंदन सर, फिर संतोष सर हो गए, ये सारे टीचर्स का मेहनत है जो मुझे ये थर्ड पोजीशन मिला है। तो ये जो श्रेय है किनका जाता है? ये श्रेय मैं किसी एक इंसान को नहीं दूंगी, इसमें सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का नाम लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प किया। उसके बाद मेरे टीचर्स कुंदन सर और राव सर और अदर सब्जेक्ट के भी जो टीचर्स थे, जैसे संतोष सर हो गए, अरविंद सर हो गए, मनीष सर हो गए, हिमांशु सर हो गए, ये सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, तभी मैं इस पोजीशन को। आगे पढ़ाई क्या करना चाहती हैं? मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिहार में तीसरा स्थान लाया? जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं सर। कितना आप मेहनत किए थे इसके पढ़ाई में? इसके पढ़ाई में बहुत मैं मेहनत किया हूँ। जो भी हम जी, मैं किसान हूँ। खेती करते हैं? जी खेती। आप यहाँ तक पहुँचाने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? सर जो हमारे पास ऊर्जा था मैं इसमें लगा दिया हूँ, और शिक्षकों का योगदान बहुत काफ़ी रहा है, जिसमें राहुल जी, कुंदन जी हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। मैंने पैसा खर्च किया तो इन लोग मेहनत किए, जिसका रंग दिख रहा है आप लोग आज बैठे हुए हैं, बेटी के साथ बैठे हुए हैं। जी क्या कहें, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी इसको जो अपना लक्ष्य बनाई है उसका पूर्ति हो, उसमें मेरा जो भी सहयोग रहेगा मैं अपना सारा जीवन न्योछावर कर दूँगा। आपके कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं जी। तो इससे बड़े हैं या छोटे? इससे एक बड़ा है लड़का और एक छोटा लड़का है। उन लोग क्या करते हैं? एक सर नीटे की तैयारी कर रहा है बड़ा बेटा, छोटा बेटा सैनिक निकाला है जिसका नाम सुमित कुमार है, वो अभी 9th क्लास के लिए, देखिए उसको नागालैंड सेंटर है क्या होता है।